वीडियो की हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। सुबह 9:02 का टाइम हो गया और आज मैं कुछ स्पेशल करने जा रहा हूँ। स्पेशल इन द सेंस फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाने, सिर्फ खाना खाने के लिए। भाई शौक है, हवाई जहाज में बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा, तो सरप्राइज है, एक सस्पेंस भी है। लास्ट तक वीडियो बने रहना, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन सी फ्लाइट मैं बुक करवा रहा हूँ सिर्फ खाना खाने के लिए। तो वहाँ जाने से पहले एक वीडियो का शूट करना है। एक गाड़ी आएगी मर्सिडीज़, तो उसका शूट करने के बाद मतलब पूरा दिन ही उसका शूट चलेगा। तो इन बिटवीन हम एक बार अपना जो वीडियो में मेन टाइटल डालेंगे, खाना खाने के लिए फ़्लाइट बुक करवाई, तो उस जगह पे जाए। तो अभी मैं गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूँ और चलते हैं अपना सोनीपत, अपना शूट कंप्लीट करेंगे। ये देखो भाई, हमारे कंडक्टर साहब हमको गाइड करते हुए। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर के बाहर और अभी हम निकलते हैं अपना सोनीपत के लिए। और हो सकता है आज रात को स्टे उधर ही हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है। अगर आना भी होगा तो काफ़ी लेट आऊँगा रात को। तो चलिए आपसे रास्ते में बातचीत करते हैं और रास्ते में अपना रिफ्यूलिंग करवानी है। तो भाई आज का प्लान तो कुछ और ही था, मुझे बाइक बुक करवाने जाना था। ओके। लेकिन बीच में आ गया मेरा शूट, तो ये पहले ये जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो इसको निपटा के फिर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को हो सकता है मैं बाइक बुक करवाने जाऊँगा। तो खुशियाँ घर पर आ रही हैं और अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई इशू नहीं हुआ तो इस मंथ के लास्ट तक या फिर जो नेक्स्ट 15 अक्टूबर तब तक हो सकता है अपनी बाइक भी आ जाएगी। और बाइक कौन सी आएगी ये तो आपको पता चल ही गया होगा पिछले, जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। और एक वीडियो और आएगी जिसमें एक टेस्ट ड्राइव और लेंगे जिस दिन मैं बुक करवा के आऊँगा बाइक को, और छोटी सी ड्राइव करेंगे। तो एक बार अच्छे से देखें, पिछली बार जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली तब तो ध्यान ही नहीं रहा कि बाइक का कुछ देखना है, बस वही है कि सामने जो चीज़ चाहिए वो दिख जाती है तो अलग ही रिएक्शंस होते हैं। तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों पे तो ध्यान ही नहीं गया भाई, बस एक बार ये होगा कि सामने खड़ी है, चलानी है चलानी है चलानी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखा। तो अब की बार जब बुक करवाने जाऊँगा तब देखूँगा कि हाँ भाई अच्छे से एक एक उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको भी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ पेट्रोल पंप पे और एक बार अपना डीजल डलवा लेते हैं। अभी अपना रिफ्यूल करवा लेता हूँ और मोस्टली मैं इधर ही करवाता हूँ क्योंकि मेरे घर के पास पड़ता है ये, और पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि डेंसिटी वगैरह सारी चीज़ें देखकर ही मैं डीजल या पेट्रोल डलवाता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आपकी गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि अच्छा पेट्रोल या डीजल गाड़ी में जाएगा तो ही अच्छे से आपकी गाड़ी रन कर पाएगी। तो मेरे को अच्छा क्वालिटी का डीजल और पेट्रोल मिल जाता है तो मोस्टली इधर से डलता है। रिफ्यूलिंग हो चुकी है और गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 422 किलोमीटर, आधी टंकी हो चुकी है और अभी हम निकलते हैं सोनीपत की ओर। और सीट बेल्ट लगा लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि बिना सीट बेल्ट के चलाना ठीक नहीं है, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो एयरबैग्स नहीं खुलते कई बार। और कंपनी जो क्लेम करती है कि विदाउट सीट बेल्ट एयरबैग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, तो हम पहले अपना पार्ट पे सेफ चल देंगे, खुदा ना खास्ता हो सकता है कुछ भी हो भाई, जिंदगी है और मशीन है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, फिर वैसे कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ हो सकता है। तो सेफ्टी को ध्यान रखते हुए अपना व्हीकल को ड्राइव करें। तो अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ड्राइव भी करना है और
आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेके आनी है। तो मैं अपना पार्ट पे सेफ रहना चाहता हूँ भाई, बाद में व्लॉगिंग करेंगे वो होती रहेगी अभी, क्योंकि मेरे पास एक्शन कैमरा, मेरा माइक बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है तो मेरे को फ़ोन से ही मैनेज करना पड़ता सारा सब कुछ। कैमरा का माइक ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे, डायरेक्ट सोनीपत ही मिलेंगे। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं सोनीपत और अपने डेस्टिनेशन आ गए हैं डाउनटाउन। इधर ही गाड़ी का शूट होना है और अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी अंदर अनुज भाई मिलेंगे तो उनके साथ जो गाड़ी का शूट होना है उसको पिक करेंगे। ओनर के घर से ही पिक करनी है तो गाड़ी को पिक करके लाएंगे, उधर से कंप्लीट वीडियो शूट होगी और जिसकी मर्सिडीज आनी है उसी की ये फॉर्च्यूनर भी है। तो VIP गाड़ी है भाई और आज एक छोटा सा मोटो व्लॉग भी आ सकता है बाइक पे, भाई की बाइक पे वीडियो शूट छोटा सा मोटो व्लॉग करेंगे। भाई अभी वीडियो शूट करनी थी और कैमरा सेट करते ही गई लाइट, तो मैं सोचा एक छोटा सा मोटो व्लॉग बना के लाता हूँ सुपर बाइक पे। तो आज की अपनी सुपर बाइक कौन सी हो सकती है गैस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो क्या बताना, मैं आपको दिखाई देता हूँ मेरी सुपर बाइक आज की जिसमें मोटो व्लॉग शूट होना है। तो क्या लगता है आपको इस पे शूट करें और कैसी लगी ज़रूर बताना। तो भाई अभी हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, स्पेशल इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि मेरा फ़्लाइट का टाइम हो गया और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने स्पेशल टिकट बुक कराई है लंच करने के लिए। तो आज हम प्लेन में अभी लंच करके आएंगे तो अभी हम जाएंगे बाइक पे। तो ये अनुज भाई की बाइक है और इस पर हम एक छोटा सा मोटो व्लॉग भी बनाएंगे जावा। तो थोड़ी सी डस्ट है लेकिन कोई नहीं चलेगा, तो इस पर अभी एक छोटा सा मोटो व्लॉग आएगा। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं अपना छोटी सी राइड के लिए और मैंने अपना ड्रोन ले लिया है और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, एक दिन मैंने पहले इसकी पहले भी टेस्ट ड्राइव ली है, चलने में काफ़ी अच्छी लग रही है और पिकअप भी अच्छा खासा इसका। तो बताना कि लुक्स वाइज कैसी बाइक है। अभी टाइम हुआ 3:19 और हम GT रोड पे पहुंच गए हैं और यहां से अपनी डेस्टिनेशन कोई 5 से 6 किलोमीटर दूर है और मेरे पास आज मेरा एक्शन कैमरा भी नहीं है और ये व्लॉग टोटली शूट हो रहा है मेरे आईफोन से। तो अभी आशु भैया पीछे फ़ोन पकड़े हुए, ये अपनी फ्लाइट ये रही सामने फ्लेवरफुल उड़ान। तो आपको पता चल ही गया होगा देख के कि आज कहाँ जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो काफ़ी स्पेशल सी लोकेशन है, तो अभी आपको अंदर से सारा दिखाते हैं कि कैसे क्या कुछ है एयरप्लेन के अंदर। तो आई थिंक ये डमीज हैं या फिर ओरिजिनल, ये कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे और आशु भाई इन्होंने मेरी वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है और इन्होंने ही व्लॉग शूट करवाया है बाइक पे, जो मोटो व्लॉग शूट हुआ है वो इन्होंने ही किया है। और अभी यहाँ से हम टिकट्स लेंगे अपनी फ़्लाइट की और फिर चलते हैं दुबई या फिर कहीं और। तो यार ये एकदम
डिट्टो ऐसे ही बना रखा है कि जैसे नॉर्मल फ्लाइट होती है इधर से आने का रास्ता, और ऐसे ही। वाह चलो ये भी सही है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि टिकट्स कहाँ से मिलेंगी हमको इसकी। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे टिकट्स मिल रही हैं इसकी। तो अभी यहाँ की स्लिप हमने जमा करवा दी और यहाँ से हम टिकट्स लेंगे दो और अपना फ्लाइट में चलते हैं फिर इसके बाद। मतलब असली जहाज है कि ये डमी है? ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल ये सारा ये जुगाड़ पानी सही है कोई ना। आशीष और आशु दोनों आशीष है भाई। मोबाइल नंबर 81 तो भाई अभी हमारी टिकट्स बुक हो गई हैं और कुछ ऐसी हमारी फ्लाइट की टिकट्स। तो हमारी टिकट्स आ चुकी है हमारे पास और ये ओरिजिनल प्लेन है भाई, जो ये कोई डमीज नहीं है ओरिजिनल। जो स्क्रैप में प्लेन्स हो जाते हैं जो यूज़ में नहीं रहते, तो ये ओरिजिनल है। तो एक प्लेन इधर है और एक उधर है। आप बताओ सर कौन से में चलोगे? आ जाओ। तो यहाँ पे कोई अपना फ़ोटो शूट करवा रहा है और उनको डिस्टर्ब नहीं करते हम, इधर से इस वाले फ्लाइट में चले जाते हैं। अरे वाह। तो भाई फ्लाइट के अंदर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी एकदम पायलट्स वाली यूनिफॉर्म में है। तो सर कैसा लग रहा आपको फ्लाइट में आके? मुझे कि बैठे नहीं आड़े से ही। तो आप भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फ्लाइट कैसी लगी। तो आज का अपना जो लंच होगा वो इधर होगा और यहाँ पे हम अच्छे अच्छे से ड्रोन शॉट्स भी लेंगे अपने। जब तक खाना था तब तक मैं ड्रोन शॉट ही ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट लेते हैं। मैं विंडो सीट पे बैठा हूँ और प्लेन से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। खिड़की थोड़ी सी साफ नहीं है तो विंडो सीट पे बैठने का मज़ा, यहाँ पे हर किसी के पास विंडो सीट ही है। तो बाहर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो भैया अभी हम अपने ड्रोन शॉट्स लेंगे और तब तक हमारा 10 से 15 मिनट में खाना भी रेडी हो जाएगा। तो आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं अभी। तो अपना मैविक के साथ अपने ड्रोन शॉट्स लेंगे। के लिए विजिट के लिए तो इवनिंग टाइम आपको 7 o'clock इवनिंग टाइम, क्योंकि लाइट व्यूज लाइटिंग पूरा रहेगा। जो आपको विंग्स देखें तो विंग्स में भी आपको लाइटिंग हमारी रहती है। अच्छा अच्छा नीले कलर के, तो इसमें अच्छा मतलब व्यू के लिए अच्छा है। चलो सर कभी नेक्स्ट टाइम इवनिंग के टाइम ही आएंगे। तो अभी तो एक आधा ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं। तो चलो ठीक है सर, थैंक यू। लाइव म्यूजिक लगता है। तो भाई जिस दिन हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इनमें से एक कंप्लीट फ्लाइट बुक कराएंगे आप सभी के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दो और मेरी तरफ से एक टिकट फ्लाइट की बिल्कुल फ्री, उसका कोई चार्जेस नहीं। तो सर मैंने कैमरे के सामने बोला तो एक फ्लाइट हम अपनी तरफ से बुक करवाएंगे जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर मोस्ट वेलकम जी सर। अभी ड्रोन शॉट्स कंप्लीट हुए और मौसम थोड़ा सा ख़राब था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए और विंड ब्लास्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, ड्रोन पे ज़्यादा विंड आ रही थी। तो अभी अपना खाना भी पैक हो गया होगा, ऑलरेडी पैक्ड है। तो हमारी टेबल पर हमारा खाना आ चुका है तो इसको अभी हम पिक करते हैं और अपना डाउनटाउन पे जाके उधर ही खाएंगे। थोड़ा सा लेट हो रहा है तो उधर वो भी वेट कर रहे हैं सभी। तो चलिए अभी निकलते हैं डाउनटाउन पे। तो अभी हमारा खाना भी रेडी हो गया और अभी बिल पे करके हम निकल रहे हैं। कुछ रहा तो नहीं? ना ना कुछ नहीं, अपना हो गया। तो भाई अपना खाना पिक कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं और अपना यहाँ पर भी जैसे तो अभी ये सुनील सर हैं यहाँ के मैनेजर, तो इनसे अच्छे से अपनी बात हुई है और ठीक है सर, ओके।
तो भाई किसी को ये लग रहा हो कि सही में असली नहीं है तो एक बार नीचे से देख सकते हैं, सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, बस ऊपर से आई थिंक सिल्वर कलर का पेंट है और टायर्स वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है, सही दिमाग लगा रखा है चीज़ बनाने में यार, सही है अट्रैक्ट करने के लिए टूरिज्म को। और साइज़ में तो यार सही है, वैसे दिखते हैं हवाई जहाज ऊपर से छोटे छोटे, लेकिन भाई काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, तो देखते हैं जल्दी मौका मिलेगा भाई ओरिजिनल में कहीं ट्रैवल करने के लिए। तो अभी हम अपनी बाइक को पिक करते हैं और निकलते हैं। भाई लाइफ का पहला एक्सपीरियंस सामने हो रही है बारिश, उधर आपको गीला गीला रोड दिख रहा होगा, तो आगे काफ़ी ज़ोर की बारिश है और इधर सूखा है। तो अभी हम वापस कहीं पे अपना देखते हैं सिर ढकने के लिए, क्योंकि आगे गए तो ड्रोन जो है मेरा सारा ख़राब हो जाएगा और खाना भी सारा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है कि सामने एज इट इज़ ऐसे देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और हम सूखे में खड़े हैं, तो वैसे ही ध्यान चला गया भाई, नहीं तो भीग जाते ये सोच के कि आगे कुछ नहीं है, ऐसे ही भागे जा रहे हो तो देख तुमसे दिख गया कि बारिश आ रही है। तो अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ के, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। आज का अपना शूट तो कैंसिल हो गया और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, 7:30 बजे घर से निकलूँगा मैं, कल दोबारा आना है, कल शूट करेंगे मर्सिडीज एस क्लास का और एक बार फिर से इधर विज़िट करना है जो हवाई अड्डा करके जो रेस्टोरेंट है जिसमें आज हमने अपना खाना वगैरह कुछ पैक करवाया था और बाद में मतलब विज़िट किया था मैंने आज जहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा सेटअप इनका। तो कल इवनिंग टाइम पे मैं एक बार इधर विज़िट करूँगा, जो हमारे ये मैनेजर साहब थे तो उन्होंने मेरे को शाम को बुलाया, क्योंकि हो सकता है इनके साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाए शायद फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, तो हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो बाकी होप सो देखते हैं, अगर हो गया तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा। तो यहाँ की भी रेगुलर वीडियोस आएंगी और अगर किसी को कोई फ़ोटोशूट वगैरह करवाना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। अभी अपनी नवंबर और दिसंबर की जो वेडिंग की डेट्स हैं वो अभी चालू हैं, बुकिंग्स ओपन है उसकी। और आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं, आज की वीडियो आज लेट नाइट तक तो आ ही जाएगी, लेकिन कल की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनकी गाड़ी का शूट होना है, एक अच्छी खासी उनकी पहचान है। वीडियो में मैं अभी उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहा, तो कल वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किन की गाड़ी है और कैसी है, उनका वीडियो शूट और सारी चीज़ें आपको कल पता चल जाएंगे कल वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।